अब आते जी नेक्स्ट क्वेश्चन 7.16 पर, ये क्या कह रहा है, कह रहा है ऑब्टेन द आंसर्स टू ए एंड बी इन एक्सरसाइज 7.15, यानी पिछले वाले क्वेश्चन की हमें वैल्यूज उठानी पड़ेगी। 100 माइक्रोफेरेड 40 ओम, कैपेसिटेंस कितना था पिछले क्वेश्चन में, 100 माइक्रोफेरेड, रेजिस्टेंस था जी 40 ओम, ओके, वोल्टेज 110 60 हर्ट्ज थी, ओके, 110 वोल्ट 12 किलो हर्ट्ज। इस बार कह रहा है वोल्टेज तो चलो 110 ही है, बट फ्रीक्वेंसी वेरी हाई कर दी 12 किलो हर्ट्ज। ए पार्ट में पीक करंट अब कितना होगा और बी पार्ट में जो टाइम लैग है वो कितना होगा ये फाइंड करना है। अगर इतना होता, अब बेटा स्टोरी ये है, एक्सी की वैल्यू होती है 1/ωc, राइट, 1/ω, ओमेगा हो गया 2π(ν)c, 1/2 × 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी कह रहा है बहुत ज़्यादा कर दी इस बार, 12×10³ कर दी, ओके, सी की वैल्यू 100 माइक्रोफेरेट, तो 100×10⁻⁶, तो ये बनी 10⁻⁴ बन गई, ठीक है, 100×10⁻⁶, 10⁻⁴ बन गई, ऊपर जाके 10⁻ क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ओके जी। अब इसको सॉल्व किया तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, ओके। पॉइंट ये है कि हाई फ्रीक्वेंसीज पर, फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, हाई फ्रीक्वेंसीज पर एक्सी बहुत ज़्यादा होने वाला, जैसे इस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी तो एक्सी की वैल्यू बहुत कम होने वाली, सॉरी, हाई फ्रीक्वेंसीज पर एक्सी की वैल्यू काफ़ी कम होने वाली है, ओके, क्योंकि नीचे 10³ है, ऊपर 10⁴ है, मतलब ये काफ़ी कम वैल्यू होने वाली है। लास्ट जो क्वेश्चन था हमने हाई फ्रीक्वेंसीज पे कैपेसिटर चेक किया था, यहाँ पे किसको चेक कर रहे हैं हम, इंडक्टर को चेक कर रहे हैं, कैपेसिटर को, पिछली बार इंडक्टर किया था, इस बार कैपेसिटर को चेक कर रहे हैं। तो एट हाई फ्रीक्वेंसीज पर, वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज पर एक्सी की वैल्यू क्या हो रही है, काफ़ी कम हो जाएगी। तो जब हम यहाँ पर आई नोट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आई नोट फिर वही ई नोट √2, यानी कि 110×√2, नीचे लगना है जेड, जेड में क्या आएगा तुम्हारा, r² + xc²। एक्सी यहां से जो भी सॉल्व किया आपने, ऊपर आ गया 10, नीचे आ जाएगा 24×3.14। इसको सॉल्व करेंगे, कर ही देते हैं, 10/24×3.14, कैलकुलेटर से कर रहा हूं भाई मैं, 24×3.14 यह आ गया 75.36। इसको सॉल्व करेंगे तो यह रहेगा 10/75.36, तो काफी कम वैल्यू आई है, 0.1326। यानी ये जो चीज है, ये तो एक तरह से क्या हो गई, नेग्लिजिबल ही हो जाएगी, ओके। आर कितना दे रखा था, 40 दे रखा था, अब इसको ऐड करो ना करो इसको कोई ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है। इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर ने लगभग ना के बराबर रेजिस्टेंस शो करना है, ओके। इसको अगर आप ना भी डालोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू पुट करके कर दोगे तो भी लगभग वही आंसर आएगा, नहीं पुट करोगे तो भी लगभग वही आने वाला है, क्योंकि ये 40 का स्क्वायर होना है, ये 0.1326 का स्क्वायर होना है, तो आप इसको नहीं भी पुट करोगे तो भी आंसर आएगा। तो ये कहना यही चाहता है इस क्वेश्चन में कि जब बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसीज होंगी तो कैपेसिटर ने कुछ ज़्यादा खास ऑफर नहीं करना, वो कैपेसिटर जो भी आना है इंडक्टिव रेजिस्टेंस के कारण ही आ जाना है। तो ये वैल्यू आ गई 3.9 एम्पियर। तो क्वेश्चन का मोटिव क्या था, क्वेश्चन का मोटिव ये समझाना था कि जब फ्रीक्वेंसीज बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी, जो कैपेसिटर है आपका
इसने कोई खास रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करना, ये इतना आ गया, देखो ये नेग्लिजिबली क्या है, स्मॉल है, ठीक है जी। कैपेसिटर का इफेक्ट नेग्लिजिबल ही हो जाना है, ओके। ऐसी अगर हम टाइम लैग निकाल दें इसमें, तो टाइम लैग जो है वो बहुत कम आ जाना है, टाइम लैग काफी कम आ जाना है, क्योंकि कैपेसिटर का इफेक्ट आएगा ही नहीं, जो भी काम है रेजिस्टेंस वाला ही हो जाएगा, तो नेग्लिजिबली स्मॉल इफेक्ट हो जाएगा। एट हाई फ्रीक्वेंसीज इंडक्टर का इफेक्ट बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस का, कैपेसिटर का इफेक्ट बहुत कम हो जाता है। तो हमारे पास दो क्वेश्चन थे, एक हमने किया पहले 7.13 मैक्सिमम करंट निकाला, ये निकाला, फिर अगले अब उस क्वेश्चन में उसने बोला कि हाई फ्रीक्वेंसीज पर इंडक्टर का बिहेवियर कैसा हो जाएगा, तो इंडक्टर का बिहेवियर बढ़ गया था। फिर अगला क्वेश्चन आ गया सिंपल कैपेसिटर वाला, और अगले पार्ट में इसने बोल दिया हाई फ्रीक्वेंसीज पे कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, तो हाई फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर का इफेक्ट नेग्लिजिबल हो रहा है, टाइम लैग बहुत कम हो गया, ओके। टाइम लैग अगर सॉल्व करोगे तो ये मिली सेकेंड्स में आ रहा जाके, टाइम लैग वाला पार्ट करोगे ना फाइव डिवाइडेड बाय ओमेगा, तो यहाँ से आप सॉल्व करो, पता ही है आपको कैसे करना है, ये 0.04 माइक्रो सेकेंड में चले गया, तो दैट मीन्स हाई फ्रीक्वेंसीज पे कैपेसिटर का इफेक्ट नलीफाई हो रहा है, क्योंकि ना तो उसने बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन ऑफर करनी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी था, फ्रीक्वेंसी हाई कर दी है, ना ही उसका टाइम लैग में कोई रोल रहेगा, ओके। रजिस्टर है, रजिस्टर के केस में टाइम लैग होता ही नहीं है, फेज डिफरेंस होता ही नहीं है, तो लगभग ना के बराबर ही हो गया। फिर इसने एक और पार्ट पूछा लास्ट में, कंपेयर दिस बिहेवियर विद दैट ऑफ कैपेसिटर फॉर ए डीसी सर्किट, ओके। डीसी सर्किट के लिए भी पूछ लिया इसने, अब डीसी सर्किट में क्या होता है वो भी सुन लो, ये मिटा देते हैं सारा का सारा। इन डीसी सर्किट्स फ्रीक्वेंसी जीरो है, अब डीसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी जीरो है, दैट इज जो कैपेसिटिव इफेक्ट है 1/2π, ये जीरो हो गया, एक्सी कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया, तो इंडक्टर ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट दे देना कैपेसिटर ने, कैपेसिटर डीसी सर्किट में बहुत ज़्यादा क्या देने वाला है इफेक्ट, इतना कि वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर देगा, ओके। कहते हैं कि कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, इसने डीसी को क्या कर देना है, ब्लॉक ही कर देना है। तो बात ये निकली, इस क्वेश्चन में शुरू में पूछा गया हाई फ्रीक्वेंसीज पर, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, और लास्ट में पूछा गया है लो फ्रीक्वेंसी, यानी कि डीसी सर्किट में क्या होगा अगर फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाए। हाई फ्रीक्वेंसी पर कैपेसिटर का ज़्यादा इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा सर्किट पर, नलीफाई हो रहा है, और लो फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर ने ये लगा लो कि सर्किट में करंट चलने ही नहीं देना, बड़ा जोर डाल देगा ये, ओके जी। तो लो फ्रीक्वेंसीज पे ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट दे देते हैं कैपेसिटर, हाई फ्रीक्वेंसी पे बिल्कुल भी नहीं देते। इंडक्टर में उल्टा है, वो हाई फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा इंपोर्टेंस ऑफर कर देंगे, टाइम लैग भी ज़्यादा दे देंगे, और लो फ्रीक्वेंसी पे कुछ नहीं करते, ओके जी। कीजिए नोटिस को भी।